माननीय राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रीय खेल और साहस पुरस्कार कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति चाहता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 सुश्री दीपा मलिक। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुश्री दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पैरालंपिक खेल 2016 में रजत पदक शॉटपुट, एशियाई पैरा खेल 2018 में कांस्य पदक जैवलिन थ्रो, एशियाई पैरा खेल 2018 में कांस्य पदक डिस्कस थ्रो में जीता। एशियन ओशियाना चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण और रजत पदक, दुबई आईपीसी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में ग्रापी में स्वर्ण पदक लेकर रिकॉर्ड कायम किया। सुश्री दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दीपा मलिक। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 श्री विमल कुमार। बैडमिंटन कोच श्री विमल कुमार ने साइना नेहवाल, अजय जयराम, अश्विनी पोनप्पा, पी कश्यप, दीपांकर भट्टाचार्य, निखिल कानेटकर, अपर्णा पोपट और लक्ष्य सेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। श्री विमल कुमार को कोचिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विमल कुमार। श्री संदीप गुप्ता। श्री संदीप गुप्ता ने सुश्री मनिका बत्रा, श्री एंथोनी ए अमलराज, सुश्री नेहा अग्रवाल, श्री उत्कर्ष गुप्ता और सुश्री रीति शंकर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने टेबल टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। श्री संदीप गुप्ता को कोचिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री संदीप गुप्ता। श्री मर्जवान पटेल। श्री मर्जवान पटेल ने श्री गविन फरेरा, श्री जूड मेनेंजिस, श्री वीरेन रस्किना, श्री एड्रियन डिसूजा, श्री देवेंद्र वाल्मीकि, श्री युवराज वाल्मीकि और श्री नासिर खान जैसे हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री मर्जवान पटेल को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री मर्जवान पटेल। श्री रामबीर सिंह खोखर। श्री रामबीर सिंह खोखर ने श्री शमशेर सिंह, श्री अजय ठाकुर, श्री तीरथराज, श्री ओम प्रकाश नारवाल, श्री अनिल कुमार और श्री सुरेंद्र सिंह जैसे कबड्डी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। श्री रामबीर सिंह खोखर को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री रामबीर सिंह खोखर। श्री संजय भारद्वाज। क्रिकेट कोच श्री संजय भारद्वाज ने श्री गौतम गंभीर, श्री अमित मिश्रा, श्री जोगेंद्र शर्मा, सुश्री रीमा मेहलोत्रा, सुश्री रुमेली धर, श्री नीतीश राणा, श्री उन्मुख चंद, श्री मंजोत कालरा और श्री आयन जोयाल जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री संजय भारद्वाज को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री संजय भारद्वाज। अर्जुन पुरस्कार 2019 सुश्री स्वप्ना बर्मन। सुश्री स्वप्ना बर्मन ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक, हेप्टाथलॉन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, एसएएफ गेम्स 2016 में रजत पदक जीते। सुश्री स्वप्ना वर्मन को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री स्वप्ना वर्मन। श्री भामी दीपाती साई प्रणीत। श्री भामी दीपाती साई प्रणीत ने वर्ष 2018 में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 में कांस्य पदक, वर्ष 2017 में BWF वर्ल्ड ग्रां प्री में और सिंगापुर ओपन 2017 में स्वर्ण पदक जीते। श्री भामी दीपाती साई प्रणीत को बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भामी दीपाती साई प्रणीत। श्री एस भास्करन। श्री एस भास्करन ने विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2018 और एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीते। श्री एस भास्करन को बॉडी बिल्डिंग में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री एस भास्करन। सुश्री सोनिया लाथर। सुश्री सोनिया लाथर ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 में रजत पदक जीते। सुश्री सोनिया लाठर को मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सोनिया लाठर। सुश्री पूनम यादव। सुश्री पूनम यादव आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 में रजत पदक जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं। इन्होंने महिला एशिया कप T20 में 10 विकेट लिए, जो T20 श्रृंखला में किसी भी भारतीय महिला के लिए सर्वाधिक हैं। ये T20 में 38 मैचों में 50 विकेट लेने वाली सबसे तेज भारतीय महिला हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में T20 में 35 विकेट लिए। सुश्री पूनम यादव को क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री पूनम यादव। श्री फवाद मिर्जा। श्री फवाद मिर्जा ने एशियाई खेल 2018 में व्यक्तिक और टीम स्पर्धा में 2 रजत पदक, नीदरलैंड में CIC2 इवेंटिंग 2018 में स्वर्ण पदक, जर्मनी में CCI1 इवेंटिंग में रजत पदक जीते। श्री फवाद मिर्जा को घुड़सवारी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री फवाद मिर्जा। श्री गुरप्रीत सिंह संधू। श्री गुरप्रीत सिंह संधू इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2018 के विजेता, यूफेआ यूरोपा लीग खेलने वाले एकमात्र भारतीय हैं। श्री गुरप्रीत सिंह संधू को फुटबॉल के खेल में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गुरप्रीत सिंह संधू। श्री चिंगलेन साना सिंह कंगुजम। श्री चिंगलेन साना सिंह कंगुजम ने एशिया कप 2017 में स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के ये सदस्य थे। एशियाई खेल 2018 में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे और अजलान शाह कप में 2016 में रजत पदक और 2015 तथा 2017 में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के ये सदस्य थे। श्री चिंगलेन साना सिंह कंगुजम को हॉकी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री चिंगलेन साना सिंह कंगुजम। श्री अजय ठाकुर। श्री अजय ठाकुर एशियाई खेल 2018 में पुरुषों की कांस्य पदक विजेता कबड्डी टीम और एशियाई चैंपियनशिप 2017 में पुरुषों की स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम के कप्तान थे। कबड्डी विश्व कप 2016 में पुरुषों की स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम के ये सदस्य थे और इनको टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ रेडर के रूप में पुरस्कृत किया गया। श्री अजय ठाकुर को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अजय ठाकुर। श्री गौरव सिंह गिल। श्री गौरव सिंह गिल ने एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप 2018, एफआईए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप 2017, एफआईए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप 2016, एफआईए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप 2015 में तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्री गौरव सिंह गिल को मोटर स्पोर्ट्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गौरव सिंह गिल। श्री सिमरन सिंह शेरगिल। श्री सिमरन सिंह शेरगिल वर्ष 2016 में जयपुर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, वर्ष 2015 में पोलो विश्व कप प्लेऑफ में रनर अप, वर्ष 2014 में अर्जेंटीना में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। इनको देश में सबसे लंबी हिट करने वाले पोलो खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। श्री सिमरन सिंह शेरगिल को पोलो में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सिमरन सिंह शेरगिल। श्री हरमीत राजुल देसाई। श्री हरमीत राजुल देसाई ने एशियाई खेल 2018 में पुरुष टीम में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पुरुष टीम में एक स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में एक कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2015 में पुरुष टीम और पुरुष युगल में 2 स्वर्ण पदक जीते। श्री हरमीत राजुल देसाई को टेबल टेनिस में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री पूजा ढांडा। सुश्री पूजा ढांडा ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में रजत पदक, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीते। सुश्री पूजा ढांडा को कुश्ती में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री पूजा ढांडा। श्री प्रमोद भगत। श्री प्रमोद भगत ने एशियाई पैरा खेल 2018 में स्वर्ण पदक एकल, एशियाई पैरा खेल 2018 में कांस्य पदक युगल, BWF पैरा विश्व चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक एकल, BWF एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक एकल, BWF एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक युगल, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक एकल, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक युगल जीते। श्री प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रमोद भगत। ध्यानचंद पुरस्कार 2019 श्री मैनुअल फ्रेडरिक्स। श्री मैनुअल फ्रेडरिक्स ओलंपिक खेल 1972 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य थे। इन्होंने विश्व कप और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद इन्होंने युवा हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान की है। श्री मैनुअल फ्रेडरिक्स को उनकी उपलब्धियों और हॉकी को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मैनुअल फ्रेडरिक्स। श्री अरूप बसक। टेबल टेनिस खिलाड़ी श्री अरूप बसक ने एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद ये युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं। श्री अरूप बसक को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अरूप बसक। श्री मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद ये युवा पहलवानों को कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। श्री मनोज कुमार को उनकी उपलब्धियों और कुश्ती को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मनोज कुमार। श्री नितिन कीर्तने। इन्होंने एशियाई खेल, एशिया कप, दक्षिण एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीते हैं। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद ये युवा टेनिस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। श्री नितिन कीर्तने को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और टेनिस को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। श्री नितिन कीर्तने। श्री सी लाल रेम संगा। श्री सी लाल रेम संगा ने ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भाग लिया। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आप युवा तीरंदाज खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। श्री सी लाल रेम संगा को उनकी उपलब्धियों और तीरंदाजी को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सी लाल रेम संगा। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 सुश्री अपर्णा कुमार। डीआईजी आईटीबीपी सुश्री अपर्णा कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू को फतेह करने वाली प्रथम महिला भारतीय का खिताब जीता। मई 2016 में चीन तिब्बत में उत्तर दिशा से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। एशिया के अलावा इन्होंने 6 महाद्वीपों जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया। ये दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार 2015 और उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार 2016 की भी ये विजेता हैं। सुश्री अपर्णा कुमार को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री अपर्णा कुमार। स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष। स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष 8000 मीटर से ऊंची 7 चोटियों को फतेह करने वाले एकमात्र भारतीय सिविलियन हैं। माउंट एवरेस्ट 2011, माउंट कंचनजंगा 2014, माउंट लाहौतसे 2012, माउंट मकालू 2013, माउंट मनासुलू 2016, माउंट धौलागिरी 2017 और माउंट चू ओयू 2018 की इन्होंने चढ़ाई की। जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने 2017 में माउंट धौलागिरी की 8000 मीटर की ऊंचाई से आईटीबीपी के एक जवान को बचाया और ठंड से सुन्न होने के कारण उन्हें 7 उंगलियां और बाएं पैर का अंगूठा गंवाना पड़ा। शारीरिक रूप से अशक्त होने के बावजूद 2018 में माउंट चो ओयू 8201 मीटर को फतेह किया। ये कुशल पर्वतारोही मई 2019 में माउंट मकालू से उतरते समय लापता हो गया। कुछ दिनों बाद उनका शव मिला। उनको पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उनके भतीजे श्री सायन घोष। स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष। श्री मणिकंदन के। श्री मणिकंदन के पेरिस में 2012 में पैरा क्लाइंबिंग वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के अंतर्गत विभिन्न पैरा क्लाइंबिंग स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इन्होंने 2017 में बोस्टन में यूएसए नेशनल चैंपियनशिप और 2018 में ओहियो में यूएसए एडॉप्टिव नेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। श्री मणिकंदन के को साहस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। श्री मणिकंदन के। श्री प्रभात राजू कोली। सबसे कम आयु में सुगारू चैनल जापान को तैरकर पार करने के लिए तथा 1 महीने से कम समय में केप टाउन के आसपास 6 विभिन्न ओपन वाटर स्विम पूरे करने के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इनको इंग्लिश चैनल इत्यादि में ट्रिपल क्राउन ऑफ ओपन वाटर स्विमिंग को पूरा करने और 2017 में केवी चैनल हवाई को तैरकर पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तेज पुरुष तैराक होने का गौरव प्राप्त है। 2016 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे तेज तैराक होने का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। श्री प्रभात राजू कोली को साहस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रभात राजू कोली। श्री रामेश्वर जांगड़ा। विंगसूट प्रदर्शन के लिए फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के 2 रिकॉर्ड इनके नाम हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन स्काई डाइविंग के लिए आपके नाम 1 एशियाई, 1 दक्षिण एशियाई और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं। एफएआई रैंकिंग के अनुसार ये वर्ष 2018 के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विंग सूट पायलट थे। विश्व भर में विंग सूट प्रतियोगिताओं के संवर्धन और विनियमन की वर्ष 2018 की एफएआई विंग सूट समिति में ये शामिल थे। साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए श्री रामेश्वर जांगड़ा को वायु में साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। श्री रामेश्वर जांगड़ा। आईटीबीपी के सूबेदार मेजर वांगचुक शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर 1992 और 2006 में नेपाल और चीन दोनों ओर से 2 बार चढ़ाई करने का इन्होंने खास मुकाम हासिल किया। ये नेपाल की ओर से वर्ष 2000 में दुर्गम माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाले पहले भारतीय हैं। आप आईटीबीटी के उत्कृष्ट पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट सासेर कांगड़ी 1991 में, माउंट नंदा देवी 1995 में, माउंट काबरू 1987 में और माउंट कॉमेट 1989 समेत 20 और चोटियों पर चढ़ाई की। इनको 5 बार डीजीज इंसिग्निया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये आईटीबीटी और नागरिक प्रशासन के प्रमुख पर्वतारोहण अभियानों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। अपनी जान को खतरे में डालकर पर्वतारोहण अभियान के दौरान अनेक बचाव और राहत अभियानों को इन्होंने अंजाम दिया। सूबेदार मेजर वोंगचुक शेरपा को उनकी प्रतिबद्धता, उल्लेखनीय योगदान और साहस की बेजोड़ भावना को मान्यता प्रदान करते हुए जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार मेजर वोंगचुक शेरपा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभर्जक ट्रस्ट है जो विभिन्न खेल विधाओं में भागीदारी कर रहे भारत के प्रतिभावान, उदीयमान और विशिष्ट खिलाड़ियों के विकास के लिए कार्य करता है। भारत के इकलौते वैयक्तिक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री राहुल द्रविड़ और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन श्री पुलेला गोपीचंद इस फाउंडेशन के सलाहकार मंडल में हैं। इस फाउंडेशन का विजन खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इनका मानना है कि खेल चैंपियन तभी बनते हैं जब उपयुक्त खेल प्रतिभा को सही समय पर सही सहायता प्रदान की जाए। गो स्पोर्ट फाउंडेशन को उदीयमान प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नंदन कामत, मैनेजिंग ट्रस्टी। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन की स्थापना खेल रत्न और पद्मश्री गगन नारंग और श्री पवन सिंह, संयुक्त महासचिव, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रबंधन में वर्ष 2011 में की गई थी। ये फाउंडेशन निशानेबाजी खेल को बढ़ावा देने और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका मिशन भारत में सफल और उत्साही निशानेबाज तैयार करना है और इस बात के लिए भी ये प्रतिबद्ध है कि निशानेबाजी खेल आमजन वाला मुख्य धारा का खेल बने। ये फाउंडेशन 14 केंद्रों का संचालन कर रहा है और मौजूदा खेल अवसंरचना के उपयोग के साथ साथ उसके निर्माण के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीते हैं। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन को उदीयमान प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री गगन नारंग और श्री पवन सिंह, को फाउंडर। रायलासीमा डेवलपमेंट ट्रस्ट। उन्नीस में स्थापित ये एक गैर सरकारी संगठन है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वंचित और उपेक्षित समुदाय के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस ट्रस्ट ने वर्ष 2000 में अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी विकास के लिए खेल कार्यक्रम आरंभ की, जिसका विजन अनंतपुर के ग्रामीण बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान कर, जेंडर बाध्यताओं को दूर कर और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर उनमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए खेल को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना है। वर्तमान में रायलासीमा डेवलपमेंट ट्रस्ट, अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी, अनंतपुर ज़िले में 90 केंद्रों के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो, सॉफ्टबॉल, खो खो और कबड्डी में कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें लगभग 11,000 बच्चे और युवा शामिल हैं। इनमें 45% लड़कियां हैं। रायलासीमा डेवलपमेंट ट्रस्ट को विकास के लिए खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं मॉन्चो फेरर, प्रोग्राम डायरेक्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 1956-57 में एक चल ट्रॉफी के रूप में शुरू की गई थी, जो खेलों में सर्वोत्कृष्ट चहुमुखी प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। माका ट्रॉफी के विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक लघु प्रतिकृति प्रदान की जाती है, जिसे विश्वविद्यालय अपने पास रखता है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को वर्ष 2019 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का विजेता घोषित करती है। वर्ष 2019 के लिए माका ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान की जाती है। ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार, वाइस चांसलर, डॉक्टर परमिंदर सिंह आहलूवालिया, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। राष्ट्रपति महोदय से समारोह समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ।